हाँ, मुझे भी ये प्रोग्राम के पहले 15-20 मिनट पहले ही पता लगा है कि ऐसे एक प्रकार की मुझे पत्र आई है, पर ये बहुत ज़्यादा रिलेट रखता है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनको मैंने बदली करके अमरावती भी लाया है और उसके साथ साथ में उनके फादर को मैंने कोविड में उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मदद भी की है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा और ये साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको कुछ भी ना हो। तो अभी ये तो FIR करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगेगा कि वो मेरे हित चिंतक हैं या वही मुझे धमकी दे रहे हैं। तो अभी ये तो इंक्वायरी के बाद, पर ये सब चीज़ें तब होती है जब कोले प्रकरण हमारे अमरावती में होता है, जब राइट्स हमारे हिंदू मुस्लिम की अमरावती में होते हैं और उसके बीच में जब मेरी आवाज़ में दबने नहीं देती हूँ और यहाँ से दिल्ली तक कोले जी का जो मर्डर हुआ उसको प्रकरण वहाँ लेके गई, अमित शाह जी तक पहुँचाया, उसके बाद मैंने NIA को डिमांड की कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आपके जरिए होना चाहिए। तो जब ये सब किया उसके बाद जब मुझे ऐसी धमकी पत्र आते हैं तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग ज़रूर है, क्योंकि मूसे वाले की प्रकरण अभी बहुत रिसेंटली हुई है। तो मुझे लगता है एक मन का, दिल का कोना है जो ये कहता है, शायद ये सब चीज़ों से रिलेटेड है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जिन्होंने ये पत्र भेजा है, जिनको भी लगता है कि नवनीत राणा ये धमकियों से चुप हो जाएगी, नहीं, नवनीत राणा तिरंगे के लिए लड़ने वाली है और उसकी आवाज़ ये भारत के तिरंगे के लिए है। और मेरी विचारधाराएं कोई भी कितनी भी धमकियों के पत्र देंगे उससे बंद नहीं होगी। मैं लड़ती थी, लड़ती हूँ लोगों के लिए, लोगों के प्रश्नों के लिए, और लड़ती रहूँगी उसमें। कोई मुझे भी अभी नहीं पता है और मैंने मेरे लोगों को कहा है जाके एक FIR कराइए। हमारे यहाँ पे CCTV कैमराज लगे हैं घर के आजू बाजू, घर के अंदर, घर के एंट्री फेस पे भी। तो मैं यही चाहती हूँ कि उसके मैंने मेरे लोगों को भी ये दिए हैं कि आप लोग CCTV फुटेज निकालिए, उसके एक एक सेकेंड के फुटेज देखिए, कोई बाय हैंड देके गया है, बाय पोस्ट आया है, अगर कोई बाय हैंड देके जाता है तो उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। नहीं, घर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड रहने के बाद हमारी जो टेबल है, जो एक लड़का खड़ा रहता है, जो उसके पत्र रिक्वेस्ट लेटर्स आते हैं वो जमा करके उनके ड्रॉ में ये पड़ा हुआ था। तो अभी वही मैंने पता करने लगाया, CCTV फुटेज और FIR भी करने लगाई है अमरावती में, अमरावती के घर में। और आज मुझे मिला है पत्र, तो अभी इसके बाद इंक्वायरी की मैं डिमांड ज़रूर करूँगी कि इस पर इंक्वायरी लगनी चाहिए। इंक्वायरी लगने के बाद जो भी ऐसा थ्रेट लेटर देते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर नवनीत राणा डरेगी नहीं सर।